उस घर में ऐसा क्या है, क्यों रघुराम सिंह कस्टडी के अंदर है? मानस वर्मा जो लॉयर है वो कैसे प्रूफ करेगा सिंदूरा की डार्क ट्रूथ? बस ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना होगा और आपके 1 hour 46 minutes की बलिदान देनी होगी। तो चलते हैं आज हम फिल्मी में, रिव्यू करेंगे एक ऐसी मूवी जो मिस्ट्री भी है और थ्रिलर भी, आपके दिमाग के साथ भी खेल सकती है। द स्टोरी इज माय क्लाइंट्स वाइफ। यू कैन वॉच द मूवी इन अमेजन वीडियो। IMDb ने रेटिंग दिया है 6.2 out of 10 एंड ऑडियंस रेटिंग है 83%। इसको डायरेक्ट किए हैं मिस्टर प्रभाकर मीना भास्कर, जिन्होंने इससे पहले भी कई अच्छे अच्छे मूवीज डायरेक्ट किए हैं और हमें एंटरटेन करते रहे हैं। ये मूवी चलती है रायपुर की छत्तीसगढ़ के एक पुलिस केस के अराउंड। रघुराम को अरेस्ट किया गया है ऑन चार्जेस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। तो आप सोच रहे होंगे चलो डोमेस्टिक अब्यूज गाली या मैक्स टू मैक्स एक थप्पड़ होगा, बट नो, भाई ने भाभी के साथ क्या किया उस काली अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। उसका भी कई वर्जन्स हैं पुलिस को सुनाने की इन दोनों के पास। जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी में रघुराम उर्फ पतिदेव, कहते हैं इनकी बीवी के पास दूसरे मर्दों को वश में करने की अजीब सी जुनून है। जब रघुराम ने इनके रास्ते का रोड़ा बना, बीवी ने औरत होने का भरपूर फायदा उठा के खुद अपना सर फोड़ के इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जब इसे सिंदूरा उर्फ बीवी को पूछा जाता है कि आपने ये क्यों किया, क्या ये सच है, तो बीवी ने इसको अकार देते हैं और उनका भी दूसरा वर्जन से इस स्टोरी को सुनाने को। मगर इस मूवी में ऐसे बहुत से मोड़ हैं और बहुत सीन हैं जहां आपको थका सकती है अपने घर बिठा के। मूवी के एंडिंग सीन ऐसे डाला है, होश उड़ना किसे कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से महसूस हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मूवी देख के जितना भी आप सोचे होंगे या जितना दिमाग लगाए होंगे, क्लाइमेक्स में सभी फेल हो जाएंगे। मैं मानस वर्मा, आपके पति रघुराम सिंह का वकील। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। मुझे अपने पति के वकील से कोई बात नहीं करनी है। देखिए, मुझे बस 5 minutes आपसे बात करनी है। अभी मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही कुछ मूवी के बारे में बोल दिया हूँ, सॉरी, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके मूड। आप जाइए मूवी देखिए और हमें कमेंट करना ना भूलिए आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना रेटिंग हमेशा देता हूँ और इस मूवी को भी देना चाहूँगा। मैं इसको 7 out of 10 दूंगा। बस वो 3 ratings क्यों लेस किया हूँ आपको मूवी देख के समझ आ जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आराम से कर देना टाइम निकाल के। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज, लव यू ऑल। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि औरत मुझे फंसा रही है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? 100% झूठ बोल रही है।